नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। अलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी फॉर्म फिलिंग चालू है, बहुत कम समय दिया गया है और ऐसे में सबसे ज्यादा जो परेशानी वाली बात है कि अब हम जब फॉर्म भर रहे हैं तो अपनी तैयारी कैसे शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे पेपर पूछेगा। पहले आपका ऑफलाइन पेपर होता था, इस बार आपका पेपर तो ऑफलाइन होगा लेकिन बीच में एनटीए जब से एजेंसी ली थी पेपर को ऑनलाइन की थी, लेकिन फिर से पिछली बार जो टेक्निकल कारण हुए थे, कुछ समस्याएं आई थी उनके कारण से ऑफलाइन फिर से लिया जा रहा है। बट एजेंसी तो एनटीए ही है और एनटीए पेपर कैसे बनाएगी इसका एक साक्ष्य अलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ के पेपर में आपने देख लिया है कि एनटीए पेपर बैलेंस तो बनाता है लेकिन बहुत ही अलग टाइप का प्रश्न बनाता है जो अक्सर बच्चों का खेल क्या कर देता है, बिगाड़ देता है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा सारी चीजों का जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी डी अब इस वैकेंसी के लिए परीक्षा प्लस ने जब एक जिम्मेदारी ले ली है तो हर तरीके से उसका ए टू लेके जड़ तक सारी चीजें, वो चाहे आपकी कोई ऐसी समस्या हो तैयारी से संबंधित या फिर आपकी किसी कोर्स से संबंधित या फिर आपको फॉर्म फिलिंग से संबंधित या फिर आपकी किसी भी समस्या के लिए टीम परीक्षा प्लस हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी। आज के सेशन में मैं आपको बस इतना बताने आया हूं कि जब हम फॉर्म भर देते हैं और हमें केवल फॉर्म भरने से हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है, बच्चों का सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए बहुत अच्छी रणनीति चाहिए, बहुत अच्छा हमारे पास स्टडी मटेरियल चाहिए और ऐसा स्टडी मटेरियल हो, ऐसा हमारे पास नोट्स हो जो हमारी क्लासेस ऐसी हो, स्टडी मटेरियल मतलब कि मैं नोट्स और क्लास और टेस्ट सबकी बात कर रहा हूं, और वो हमारे पास ऐसा सोर्स होना चाहिए जो परीक्षा को पहली बात तो ऑब्जर्व करे, उसको अच्छे से एनालाइज करें और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकता है उसके आधार पे सारा का सारा मॉड्यूल जो है वो लेके चले, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो आपका नोट्स हो। और इसी मॉड्यूल पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पे जो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रुप सी एवं डी एक साथ कैसे पढ़ें, क्योंकि सी और डी जैसा कि आपको इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सी का भी डी का भी, जैसे आपका स्टेनो एक ग्रेड थ्री अलग है, फिर उसके बाद सी वाले में एक क्लरिकल पोस्ट है, एक ड्राइविंग है और डी वालों का पीएन और ए वालों का अलग है, आईटी वालों का अलग है, तो सभी का पेपर अलग अलग होगा या एक ही में होगा? तो नो डाउट सबका पेपर अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी का फॉर्म भी अलग अलग भरवाया जा रहा है, उसके लिए अलग अलग पैसे लिए जा रहे हैं। और वैसे भी कहीं जब आप स्टेनो में देखो तो ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, आप क्लरिकल में देखोगे तो उसमें इंटरमीडिएट मांगा हुआ है, और अगर आप ग्रुप डी में देखोगे तो कहीं पे छठवीं कक्षा तक और कहीं पे आठवीं कक्षा तक ही मांगा गया है, किसी में हाई स्कूल मांगा गया है, बस इससे ज्यादा नहीं मांगा गया है। तो जब एलिजिबिलिटी अलग अलग है तो पेपर अलग अलग होगा, और ऐसे में हम दोनों को एक साथ कैसे लेकर चलें, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जो स्टेनो की भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो जूनियर असिस्टेंट डाले की भी तैयारी कर रहे हैं, क्लरिकल पोस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे उसी में ड्राइवर की भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर एक समग्र तैयारी कैसे लेके चले जब एजेंसी हमारी सेम है, आयोग हमारा सेम है, विभाग हमारा सेम है, तो फिर हमें क्या कुछ अंतर होना चाहिए या हम उसी लेवल पे पढ़ते हुए चले। उसके बाद इंग्लिश मैथ्स कहां से पढ़े, क्योंकि इस पूरे उसमें सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला है वो सबसे ज्यादा इंग्लिश परेशान करने वाला है। क्यों? क्योंकि अलाहाबाद हाईकोर्ट एक राज्य स्तरीय परीक्षा है और इसमें जो सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे होते हैं वो हिंदी माध्यम के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अलाहाबाद हाईकोर्ट अंग्रेजी के साथ खेल सबसे ज्यादा करता है। हाईकोर्ट वो चाहे अलाहाबाद कोई स्टेट का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इंग्लिश वो मस्ट रखता है और इंग्लिश में अच्छे बच्चों को वो चाहता है, और आप पूरे स्टेजेस भी देखोगे तो वो इंग्लिश का अलग अलग स्टेजेस भी रखा हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछेगा ही, उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे टाइपिंग भी करवाएगा ही स्टेनो में, और अगर हम जूनियर असिस्टेंट वाले की बात करें तो इंग्लिश का लेवल कुछ अच्छा पूछता है, लेकिन कितना अच्छा पूछेगा, क्या ये आरओ आरओ की तरह पूछेगा या सुप्रीम कोर्ट के कुछ जैसे पेपर होते हैं उसके आधार पर पूछेगा, इसका भी डिस्कशन करेंगे। और जीएस का लेवल क्या होगा, जीएस के लेवल में पहले ही बता दूं कि जब से एनटीए आया है सबसे ज्यादा जो खेल कर रहा है वो जीएस के साथ कर रहा है, क्यों कर रहा है उसका भी कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यही कह रहा हूं मैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर लाइक जरूर कर लो, सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, ताकि आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आते हम लोग सबसे पहले काम करेंगे पिछला कट ऑफ पे बात करेंगे, फिर हम लोग अपनी तैयारी पे कैसे हमें तैयारी करना है, क्योंकि एक बार हमें लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए, लक्ष्य डिसाइड होने के बाद ही हमारी कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये आपके पास जो 2019 का कट ऑफ है वो मैं लेके आया हूं, और ग्रुप सी का जो कट ऑफ है क्लरिकल पोस्ट का, मैं आपको बता दूं कि जो ग्रुप सी है वो 150 नंबर का होगा। कितने का होगा? 150 नंबर का ग्रुप सी होगा। वहीं पे जो आपका स्टेनो है वो 200 नंबर का होगा, जो आपका ग्रुप डी है वो भी 200 नंबर का होगा। बट क्योंकि आपका यहां पे क्या है
ये जो ग्रुप सी है इसमें 100 नंबर का आपका क्या होगा रिटन होगा, 25 इंग्लिश टाइपिंग 25 हिंदी टाइपिंग, बस इसके अंदर तो कुछ नहीं पूछेगा, मतलब 150 होगा। और 150 में जो क्लरिकल पोस्ट था पिछली बार 126 नंबर गया था, तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ कितनी ज्यादा जाती है, और हमेशा हाईकोर्ट की कट ऑफ हमेशा गई है, इस बात में कोई दोहरा नहीं है। लेकिन पहले का अगर पेपर आप देखोगे तो पहले का पेपर बहुत आसान था। अगर हम ये क्लरिकल वाला पोस्ट ग्रुप सी वाला पोस्ट दिखा दें तो जीएस में बात करें तो उसमें 25 क्वेश्चन में से 11 से 12 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस टाइप का था, और उसमें पूछा था कि महाभारत के रचयिता कौन है, कौन लिखा है, या फिर उसने किसी और किताबों के राइटर का नाम पूछ लिया, या फिर किसी को क्या बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप में जो बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिया, जो टैग लाइन होता है, पंचलाइन होता है, या किसी का इतिहास में चले जाओ या फिर भूगोल में चले जाओ तो लैंड ऑफ पगोड़ा किसे बोले जाता है, तो ऐसे बेसिक जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन थे जो हर एग्जाम में पूछते आते, बच्चे को पता था, इस कारण से उसका कहीं ना कहीं स्कोर भी बढ़ गया। मैथ्स के सेक्शन की बात करें तो मैथ्स में क्योंकि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछा था, हालांकि पूछा हर टॉपिक से था और एडवांस टॉपिक से भी पूछा था, तो कुछ नंबर मैथ्स की वजह से कम हुए थे, लेकिन वहीं पे हिंदी और अंग्रेजी ने नंबर बूस्ट कर दिया था, और वैकेंसी भी कम होती है, इस कारण से इसका क्या होता है कट ऑफ ज्यादा जाता है। 150 में 126 कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अनरिजर्व की बात करें, ऐसे ओबीसी की 119 गई थी, एससी की आपकी 114 गई थी, एसटी की 92 गई थी, वुमेन जनरल की, इसमें महिलाओं की कट ऑफ अलग बनती है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगर हम स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें भी इंग्लिश और हिंदी की अलग अलग कट ऑफ गई थी, इंग्लिश वाले की थोड़ी सी कम गई थी, ये क्योंकि 200 नंबर का इसमें टोटल मार्किंग था, 200 नंबर में से 147 गया था, तो इसे भी आप देख सकते हो लगभग 75% कट ऑफ इसमें गया है ना, और 75% लगभग उसमें कितना गया है देखा जाए तो 1/5/6 गया है, उस हिसाब से देखा जाए तो यह 80% के आसपास गया है, इसमें कितना गया है स्टेनो वाले में 75% के पास गया। क्यों? इसका भी कारण ये होता है कि स्टेनो सभी को नहीं आती है, कुछ पर्टिकुलर लोगों को स्टेनो आती है, और इसमें क्योंकि सर्टिफिकेट मांगा है तो इस कारण से थोड़ा सा कट ऑफ इस बार और आएगी, 70-72% के इस बार कट ऑफ बनेगी, मतलब 140-142 नंबर अब मान के चलो, अगर 150 तक पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ये सब पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करेगा, अभी मैं पहले से कुछ नहीं बता सकता हूं, बस मैं आपको एक लक्ष्य दिखा रहा हूं। आगे अगर देखा जाए तो यह है आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी वाले में, और हिंदी वाले में देख सकते हो कितने नंबर का, लगभग 20 नंबर का उछाल है। क्यों है इसका भी आप कारण समझ लो, क्योंकि ये जो प्रदेश स्तरीय परीक्षा है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा बच्चे कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के होते हैं, तो हिंदी भाषी क्षेत्र के होते हैं तो उनका बाकी जो रिटर्न होता है उसमें नंबर ज्यादा अच्छा हो जाता है, और दूसरी बात स्टेनो भी क्योंकि ज्यादा तो कॉम्पिटिशन ज्यादा है, तो कॉम्पिटिशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा गया है। आगे अगर हम देख लें तो यहाँ पे जो ड्राइवर वाली पोस्ट थी है ना ग्रेड 4 की, उसमें 88 का था, और इसमें क्या होता है इसमें केवल 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें क्या होता है 100 नंबर का पेपर होता है ड्राइवर वाले में। क्यों 100 नंबर का होता है, क्योंकि इसमें जो स्टेज 1 है वैसा होता है, स्टेज 2 में ड्राइविंग टेस्ट होता है, टेक्निकल टेस्ट होता है, तो इस कारण से केवल 100 नंबर में 88, 100 में 88 बहुत बड़ी बात है। ओबीसी की तो जनरल से भी ज्यादा चली गई थी, कितनी चली गई थी 91 चली गई थी, आप देख सकते हो एससी की भी 88 गई थी। इसका कारण क्या होता है, ये 10th लेवल की परीक्षा होती है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है, तो बच्चे लगभग वही बैठते हैं, वो चाहे ग्रुप डी वाले हो, ऐसा नहीं है कि 10th लेवल की परीक्षा है तो 10वीं वाला बच्चा ही बैठेगा, नहीं, बैठ रहा है ग्रेजुएशन वाला ही बच्चा, वही बच्चा बैठ रहा है जो अभी कहां पे देखा है स्टेनो देके आया है, जो बच्चा ग्रुप सी देके आया है वही बच्चा इसमें बैठ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर पेपर का इस तरह आसान हो जाएगा तो वो कट ऑफ बढ़ा देगा और ग्रुप डी का कट ऑफ फिर से ज्यादा जाएगा, ड्राइवर का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, इस बात को समझना। तो ये ड्राइवर ग्रेड 4 ये तो सी वाला का ही है और ड्राइवर का है, ठीक, तो ये आपको अगर मैं दिखाऊं तो इतने कट ऑफ है। अब आप एक मोटा मोटा हिसाब लेके चलो कि अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो तो आपको मिनिमम 75% सोच के चलना है, मतलब 150 नंबर सोच के चलना है। अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तो आपको मिनिमम 80% सोच के चलना है, ड्राइवर वाले पोस्ट में 85-90% सोच के चलना है, तो 80% अगर देखा जाए तो 15-120 मतलब कि 120-122 नंबर तो आराम से लाना ही लाना है, जबकि यहां पे 85% भी स्कोर आपका जा रहा है, तो ये कट ऑफ। अगर और एक चीज समझना, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर पिछली बार से ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, तो अगर मैं अगर स्टेनो की बात करूं तो स्टेनो में जो कट ऑफ जा रहा है वो 75% के पास जा रहा है, नंबर में बात करूं तो 150 आउट ऑफ 200 जा रहा है, और अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं क्लरिकल और ड्राइवर दोनों की बात करूं तो ये लगभग 80-85% जा रहा है, और 80-85% मतलब 125-130 नंबर आपका 200 वाले में से जो आपका ग्रुप सी वाला पोस्ट है, और ऐसे 88-90 नंबर आपका किसमें जा रहा है ग्रुप डी उसमें ड्राइवर वाले में जा रहा है। और अगर डी वाले की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है पेपर का लेवल आसान इस तरह का पूछा जाता है, तो उस हिसाब से ये कट ऑफ इसकी हाई ही जाएगी।
अब इतना टारगेट करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी रणनीति होनी चाहिए, वो हम कैसे लेके आए। और रही बात इस बार कट ऑफ क्या जाएगा, तो इस बार कट ऑफ अभी तो अनसर्टेन है क्योंकि ना पेपर हुआ है, तैयारी करना प्रारंभ ही किए हो, अभी ने भी नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म भरे जाएंगे, तो अभी से कुछ कहना बिल्कुल गलत होगा। हाँ मैं इतना बोलूंगा कि जो पिछला गया था उसके इर्द गिर्द ही रहेगा, कम जाने के चांसेस कम है, बड़े भले ही 1-2% जाए। हालांकि अगर पेपर का लेवल अच्छा आ जाता है या फिर बहुत जल्दी परीक्षा हो जाती है या फिर फॉर्म बहुत कम बच्चे भरते हैं जो शायद पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कट ऑफ नीचे जाएगा, लेकिन वो कंडीशनल है, उसको हम दिमाग में लेके नहीं चलेंगे। अब आते हैं कि अगर हमें इतना करना है तो हमारे पास रणनीति क्या होनी चाहिए। तो बच्चों एक बेहतर रणनीति बनाने के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं आपके पास कुछ चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या? आपके पास बुक्स का सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, बुक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके पास जो पीडीएफ नोट्स हैं वो चाहे किसी कोचिंग के हों या फिर कहीं आपके ऐसे हों, ये बहुत अच्छे होने चाहिए और ये सारे ऑथेंटिक होने चाहिए। आपके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या होती जानते हैं, सबसे बड़ी कमी होती कि ये पीडीएफ नोट्स वाला, आप सभी के अंदर पता नहीं क्या एक होता है, दुनिया भर का जो मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे केवल पीडीएफ नोट्स चाहिए, इस कोचिंग का भी मिल जाए, इस कोचिंग का भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, साइंस के यहां भी मिल जाए, साइंस का भी मिल जाए। बच्चों आप 100 पीडीएफ इकट्ठा करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कोई एक ऑथेंटिक पीडीएफ लो जिसमें आपकी एरर ना हो, उसमें मैक्सिमम चीजें कवर किया हो और वो जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसके आधार पे एनालाइज करके बना हो। अगर वो पीडीएफ आपको हाथ लग जाती है, वो हमारी संस्था की हो या किसी भी संस्था की हो जो इस कोर्स को बहुत अच्छे से चला रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप उसी को 2-3 बार पढ़ लो, 4-5 बार पढ़ लो, आपको 10 पीडीएफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आपका दिमाग एम्बिग्यूटी में ही जाएगा और आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। कट ऑफ आप देख लो किस लेवल का होता है, उस हिसाब से आप सोचते चलो, 80-85% कम नहीं होता है, टॉपर लिस्ट में बच्चों नाम आएगा तब होगा, इस बात को समझना। हालांकि पद बहुत ज्यादा अच्छे हैं लेकिन बहुत ज्यादा अंतर कट ऑफ में नहीं आने वाला है, तो पीडीएफ नोट्स आपके पास बहुत अच्छे होने चाहिए। उसके बाद अगर आप क्लासेस कर रहे हो, क्लासेस अगर कर रहे हो तो वो क्लासेस क्या होनी चाहिए, डेडिकेटेड होनी चाहिए। किसमें डेडिकेटेड होनी चाहिए? अलाहाबाद हाईकोर्ट आरओईआरओ में। और डेडिकेशन किससे आएगा? डेडिकेशन कॉन्सेप्ट से नहीं, ये दिमाग रखना, कॉन्सेप्ट से डेडिकेशन नहीं होता, प्रैक्टिस से डेडिकेटेड होना चाहिए। प्रैक्टिस इन द सेंस कि जो आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, जो वो प्रैक्टिस सेट दे या फिर जो आपको क्लास में क्वेश्चन कराए या जो रणनीति करे, वो आपका अलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ही होना चाहिए। फिर वो ऐसा नहीं है कि 10-12 एग्जाम का कॉन्सेप्ट सबका, मान के चलिए बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, इवन कोई गलत भी नहीं उसमें, कि हो सकता है जैसे आपका मैथ्स है तो वही मैथ्स सबका एसएससी में पूछ रहा है, वही मैथ्स सबका अलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछ रहा है, तो कॉन्सेप्ट सेम हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस पर जो प्रैक्टिस होता है, क्वेश्चन के पूछने का स्तर होता है वो अलग होता है। जैसे जब अलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का पेपर हुआ पिछली बार 2021 दिसंबर में, तब उसने पूरा पैटर्न ही बदल दिया। पहले क्या होता था, पहले इंग्लिश में 50 होते थे ऐसे, बाकी जीएस में मिला के, और उसमें जीएस और इंग्लिश ही ज्यादा पूछता था, थोड़ा बहुत हिंदी पूछता था, 20 नंबर हिंदी पूछता था। पिछली बार क्या हुआ कि वह 10 नंबर की अंग्रेजी कर दिया, 10 नंबर का हिंदी कर दिया, बाकी का वेटेज बढ़ा दिया, और बाकी पैटर्न में ही चेंज नहीं, सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो एकदम अलग हो गया। और बात अगर किया जाए तो जैसे ग्रुप सी का अगर आप पेपर देखोगे जो पुराना 2019 था, उसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है। जैसे अगर मैं यहां पे एक एनालिसिस करके लेके आया हूं जो 2019 का है, आप अगर यहां पे जीएस में देखो तो जीएस में ज्योग्राफी का केवल एक क्वेश्चन था, हिस्ट्री से 6-6 क्वेश्चन पूछ लिया, पॉलिटी केवल 2 क्वेश्चन था, जीए का केवल 12 क्वेश्चन था, जीए 12 क्वेश्चन, और ये जनरल अवेयरनेस, इसमें आप हिस्ट्री भी इंक्लूड कर लो, इसमें आप साइंस भी इंक्लूड कर लो, इसमें ज्योग्राफी भी इंक्लूड कर लो, बट बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन थे, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन थे। जैसे मैंने आपको बताया कि पेंट ऑफ पकौड़ा, उगता सूरज का देश किसे कहा जाता है, ये सब जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं वो ज्योग्राफी से था। जैसे हिस्ट्री में पूछ लिया कि आईएनए के संस्थापक कौन थे, या फिर पूछ लिया कि नेताजी किसे बोला जाता था, एकदम जनरल सा जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से पूछ लिया, या फिर नोबेल प्राइज सर्वप्रथम सबसे पहले किसको मिला, किस क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला है, या फिर कौन किस खेल से संबंधित है, तो ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं वो पूछा था, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन केवल एक थे, नाम मात्र था। बट इस बार पैटर्न में ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, यह बात बिल्कुल तय है। कारण है सबसे बड़ा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और एनटीए की खास बात यह है क्योंकि ये केवल एक परीक्षा नहीं कराती, ये गेट करा रही है, कैट करा रही है, बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं करा रही हैं जो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस पेपर बनाते हैं। इनके जो लोग होते हैं, जो पेपर बनाने वाले होते हैं, वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं। तो अगर उनको एक पैटर्न दे दिया गया, क्या पूछा भैया, हमें जीएस चाहिए, हमें मैथ्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इंग्लिश चाहिए, और हमें क्या चाहिए, हमें हिंदी चाहिए,
तो क्या वो पेपर बनाने वाला देखेगा अच्छा 100 क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसे बैलेंस किया जाए, तो बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगा, वो 25-25-25-25 का सेक्शन डिवाइड करेगा। तो 2019-17 में जैसे 25-25 पूछता था, 99.999% चांस अभी भी है कि चारों सेक्शन से क्वेश्चन क्या आएगा 25-25 ही आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, इसलिए हम केवल संभावना जता सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संभावना है कि 25-25 ही पूछा जाएगा जैसे पहले भी पूछा गया था। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हिस्ट्री के 6 पूछ ले, जनरल अवेयरनेस के 12 पूछ ले, करंट एक भी ना पूछे, ऐसा नहीं होगा। अब पेपर बैलेंस आएगा। अभी आपके पास मेजर सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस 5 कोर में हो गया, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 5-2-7 हो गया, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो वो क्या करेगा कि 25 क्वेश्चन को 7 से डिवाइड करेगा, मतलब 7 × 21, और वो हर सबसे लगभग 3-3 क्वेश्चन पूछेगा। अब हो सकता है ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन पूछे तो करंट अफेयर्स के 4 पूछ लेगा, या फिर हो सकता है हिस्ट्री के 2 पूछे तो क्या हो जाएगा, वो जनरल अवेयरनेस के 4 पूछ लेगा, और इस आधार पर वो पेपर बनाएगा। 1-2 जो बचेगा वो कैसे बनाएगा, वो बनाएगा आपका कंप्यूटर बना देगा। तो 3-4 एवरेज सभी से पूछेगा, जो इस बार का एक्सपेक्टेशन है, बैलेंस है। और ये बात आज आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जो मैं बात बोल रहा हूं, अगर इससे गलत हो गया तो आप बताना। 3-4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 3-4 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी से, जीए से भी 3-4 क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर्स में 4-5 हो सकता है, कंप्यूटर में 1-2 पूछ लेगा, और साइंस में भी 2-3 क्वेश्चन हो सकता है, 3-4 पूछ ले। तो ये आपका एक बैलेंस पेपर बनने का है। और अब आती है बात कि पेपर का लेवल, क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स भी आप ले लो, हालांकि करंट में अगर इंक्लूड ज्यादा करेगा, उसके बाद आपका पॉलिटी है ना, पॉलिटी को नहीं लेते हैं, साइंस को लेते हैं। ये जो पार्ट है, ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस होगा, किस पे होगा, ये जो पार्ट होगा ये एनसीईआरटी बेस होगा, किस पे होगा, एनसीईआरटी बेस होगा। क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, ये पहले से आप तैयार रहना। देखो अगर फैक्ट पूछ लेता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा तो फैक्ट अपने आप रट जाएगा, फैक्ट आप उसे, मैं आपको अलग से रटवा भी दूंगा पूरे कोर्स में, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, क्लास में, हर तरीके से आपको एक एक फैक्ट रट जाएंगे इन सारे ही पार्ट के। लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो स्तर होता है एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल लेवल का, बीच में जैसे आप एनसीईआरटी में देखते हो एलो बॉक्सेस बने होते हैं, या फिर बीच से स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना लेता है, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाते हैं निकलने के लिए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत नियर अबाउट हो जाते हैं और वहां पे गलत होते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाती। दूसरी बात, यहां पे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये और कोशिश करेगा कि कॉन्सेप्चुअली इंक्लूडेड करे, बात समझिएगा इस बात को, ऐसा फैक्ट बेस्ड नहीं पूछेगा, वरना फिर नॉन नेगेटिव रखने का कोई मतलब नहीं था। यही इसीलिए थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअल रखेगा, नॉन नेगेटिव है तो कम से कम आपके गलत होंगे तो माइनस का नहीं जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, यह आपको रिलैक्सेशन रहेगा। बाकी आपके कुछ पार्ट जैसे होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी एकदम आपका फैक्ट बेस्ड होगा, पॉलिटी फैक्ट बेस्ड होगा, इसमें किसी एनसीईआरटी की पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और इसमें अनुच्छेद 1-100 तक आप याद कर लोगे तो बहुत बेहतरीन आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें करंट और जीए, करंट और जीए इसमें कुछ अलग से, जनरल अवेयरनेस की बात करें, स्टैटिक की बात करें, इसमें अलग से कोई किताब की जरूरत नहीं होती है। इसमें जो परीक्षा प्रश्न, मैं आपको लगभग 100 पेज का नोट सबको स्टैटिक जीएस का दे दूंगा, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सारे पार्ट को कवर करते हुए स्टैटिक, प्लस जो फेमस प्लेसेस हैं, फेमस स्पोर्ट्स हैं, फेमस पर्सनालिटीज हैं, उसके बाद फिर अन्य जो वर्ल्ड लेवल के हैं, है ना, वो सारी ही चीजें उस पीडीएफ में आपको कवर रहेंगी। अगर वो आप रट लिए 100 से 110 पेज का, हो सकता है कम ही हो, उसे और फिल्टर करेंगे, अभी एग्जैक्ट पेज नंबर मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मान के चलो 80 से 115 पेज के आसपास ही रहेगा वो पीडीएफ। और अगर यह आप मिनिमम 80 पेज रख लो, 80 पेज आपके पास 4 महीने रहेंगे, मतलब अगर आप 4 महीने 4×12 120 दिन है, एक दिन में एक पन्ना रट डालोगे तो भी आप उसे 2 बार रट डालोगे, इस बात को आप समझना। तो ये आपका जब वो स्टैटिक वाला वहां से कवर कर लेना। करंट की आपकी सुबह 7:30 बजे क्लास रोज लगाई जा रही है, उसके अतिरिक्त आपको मंथली, वीकली पीडीएफ आपको, और सबसे अच्छी बात है लास्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के वो करा दिए जाएंगे, करंट के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो तो घटना चक्र या घटना सार की मंथली या फिर क्रॉनिकल अगर वैसे करो तो इनकी मंथली मैगजीन आप कवर करते हुए चलो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इतना अगर कर लेते हो तो अब एक चीज समझना, मैं हर उसमें बताता हूं, जो भी मैं एक स्ट्रेटजी की वीडियो बनाता हूं कैसे करें तैयारी, उसमें बताता हूं कि हर पार्ट में आपको कितना कितना स्कोर करना है। मैं इस अलावा हाईकोर्ट ग्रुप सीडी में आपको यह बताने नहीं आया हूं कि किस पोर्शन में आप कितना कितना करो, नहीं। कारण क्या है, इसका कट ऑफ इतना जाता है बच्चों कि इसमें सभी में आपको मैक्सिमाइज करना है। और मैं ये भी नहीं आपको बताऊंगा कि 25 में से आपको कितना गुड अटेम्प्ट करना है, मैं तो आज ये बोलूंगा कि 25 में आपको 25 करना है।
कितने गलत हो जा रहे हैं वो हमारे दुर्भाग्य पे होगा या फिर वो हमारा गलत समय होगा उस पे डिपेंड करेगा। अभी हमारा टारगेट 25 में 25 क्योंकि रिलैक्सेशन किसी पार्ट में दे ही नहीं सकते। मैं आपको केवल ये बता सकता हूं कि हम तैयारी कहां से करें। तो अगर जीएस की तैयारी कर रहे हो तो ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और साइंस ये वाले पार्ट आप एनसीईआरटी से करोगे। पॉलिटी स्पेसिफिक केवल आप परीक्षा प्लस के नोट्स भी फॉलो करो, कुछ भी एक्स्ट्रा उसे दो बार तीन बार पढ़ो, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन को पॉलिटी का सही करवा देंगे और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस भी आपको परीक्षा प्लस से ही फॉलो करना है। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ये हम खुद ही अगर आपको देखो दो टाइप के बच्चे, एक तो जो बच्चे कोर्स से हमसे जुड़ेंगे और स्वैच्छिक है, मैं कोई ऐसा बाउंड नहीं करूंगा कि आप कोर्स से जुड़ेंगे। हाँ, मैं इतना आपको जरूर बता दूंगा अलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ आर ओ में सर्वाधिक पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिलेक्शन और सर्वाधिक एडमिशन का टीम जो रही है वो टीम परीक्षा प्लस रही है। उसके बाद देखा जाए सबसे ज्यादा पेपर मैच का, जो बच्चे अलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर दिए होंगे वो बताएंगे आपको कमेंट में ही। और आप जाके देखो एक साल पहले का पिछले 10 महीने 11 महीने पुरानी जो पीडीएफ होगी वो आप जो हमने मैराथन क्लास करवाई थी उसके क्वेश्चन देखिएगा और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे एज इट इज मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो इस बात का कहीं ना कहीं जो हमें कॉन्फिडेंस है कि हम चीजों को पहचान रहे हैं, एनालाइज अच्छा कर रहे हैं और एनसीईआरटी भी इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आप कोर्स में जुड़ते हो तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर सारा कुछ हम करा देंगे। लेकिन बच्चों अगर आप सेल्फ स्टडी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और मैं उनके भी फेवर में रहता हूं, कोई आवश्यक नहीं है बच्चों कि आप इसकी फीस अन्यथा बर्बाद करो, कहीं पे आप जुड़ो। हालांकि परीक्षा पर इसकी फीस 499-599 में रहती है और इसमें आपको सारी क्लासेस दे दी जाती हैं, सारे नोट्स दे दिए जाते हैं, सारे आपको टेस्ट दे दिए जाते हैं, सब कुछ A to Z। तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, मुश्किल से अगर देखा जाए डेली बेसिस पे 1 रुपए या 2 रुपए का ही खर्चा आता है, इतना तो फोन रिचार्ज होता है। बट फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप इच्छुक नहीं हो तो आपके लिए फिर ये एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो, उनके क्वेश्चंस को करना आसान कर दो, वरना फिर कितने भी साल से तैयारी कर रहे हो वहां पे रुक जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इस बात को मैं बोल रहा हूं। हिंदी की बात आते हैं तो हिंदी में चिंता करने की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा होता नहीं कि एनसीईआरटी हो, इसमें यह भी नहीं होता है कि कोई आपका टेक्स्ट बुक हो। हाँ, हिंदी आपको कैसे पूछता है, हिंदी पहली बात तो आपका क्या होना चाहिए कि ये एक बेसिक आपकी खुद की भाषा ही समझ है। दूसरी बात, कुछ जो ग्रामर पोषण होते हैं जैसे संधि समास हो गया, वर्णमाला हो गया, कारक हो गया, कर्म हो गया, काल हो गया, प्रत्यय हो गया, ये सारी चीजें जो हो गई इन्हें आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और ये आप किसी भी किताब से पढ़ते हो, अगर आप कोर्स से जुड़ रहे हो तो ठीक, नहीं जुड़ रहे हो तो आप लूसेंट किताब ले लो हिंदी की, वो भी अच्छी है, आप आदित्य पब्लिकेशन की ले लो। अब इसमें आप पीएन पांडे और उनके हृदय वारे की लेने की जरूरत नहीं है, या अगर आपके पास समय हो तो वो किताब तो मोस्ट ऑथेंटिक है ही है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो और आपने लूसेंट वगैरह किताबें पढ़ रखी है तो आप हृदय वारे और पीएन पांडे ही पढ़ लो, वो मोर देन सफिशियंट है। कौन सा चैप्टर कवर होगा तो मैं बता दूं कि एनटीए बैलेंस जब आपका सिलेबस डिस्क्लोज नहीं होता है तो वो कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। हिंदी मतलब समग्र हिंदी, गणित मतलब समग्र गणित, आपका ऐसे जो इंग्लिश बोलेंगे कंप्लीट इंग्लिश और जीएस बोलेंगे कंप्लीट जीएस, कुछ आप छोड़ नहीं सकते हो। वो चाहे कर्ता हो, चाहे कर्म हो, चाहे कारक हो, चाहे रस हो, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार हो, चाहे आपका संधि हो, समास हो, वर्तनी हो, एक शब्द अनेकार्थी शब्द भिन्नात्मक शब्द, सारी चीजें आपको पढ़ते हुए चलना है, विलोम पर्यायवाची एक एक चीज पढ़ना है और पूछा भी गया है। और क्योंकि एनटीए करा रहा है तो इस बार और भी चांस है। अब ये हमारा भाग्य हो कि हम जो ना पढ़े हो या हमारा जो पोषण कमजोर हो वही हमारा पेपर में पूछ रहे, तो वो बात अलग है, बट अब वो पढ़ना सब कुछ है। ऐसे ही अगर आप देखो इंग्लिश में तो इंग्लिश में भी सब कुछ पढ़ना है। 2019 में देखो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश फिलर बेस्ड ग्रामर से पूछा था, बट इस बार ऐसा नहीं होगा, वो सबसे दो क्वेश्चन सिनोनिम्स, दो क्वेश्चन एंटोनिम्स, दो क्वेश्चन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दो क्वेश्चन आपका इडियम फ्रेजेस, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसे ही पूछेगा। नरेशन से एक क्वेश्चन होगा, ऐसे ही इसमें एक्टिव पैसिव नहीं लिखा है, मैं आपको लिख लो एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ पे एक्टिव पैसिव भी डाल दूं तो इसे मैं दो डाल दे रहा हूं, इनसे दो क्वेश्चन वॉइसेस से और एक नरेशन से एक वॉइसेस से, वर्ड अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन हो सकता है, फिलर से दो क्वेश्चन हो सकता है, फिलर ग्रामर से दो क्वेश्चन हो सकता है, सिनोनिम से दो क्वेश्चन होगा या एक सिनोनिम से होगा और एक एंटोनिम से होगा, ठीक है, पंक्चुएशन से एक क्वेश्चन हो सकता है, एरर से दो क्वेश्चन होगा, स्पेलिंग से एक क्वेश्चन होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दो होगा, इडियम दो होगा, फिगर ऑफ स्पीच से हो सकता है, एनालॉजी से हो सकता है। और क्योंकि अलाहाबाद हाईकोर्ट की अंग्रेजी थोड़ी स्पेशल लेवल की होती है, ये सिनोनिम से पूछेगा तो कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा बैड इज टू वर्स्ट तो गुड इज टू क्या होगा, ये ऐसे आपको पूछेगा। अभी आपको पता नहीं लगेगा सिनोनिम्स पूछ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है।
एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही आपको ये जो वर्ड अरेंजमेंट है ऐसे आपको दे देगा, 10-12 वर्ड दे देगा, बोलेगा इन वर्ड को लगा के एक अच्छा सा सेंटेंस बनाओ, और सबसे सुइटेबल सेंटेंस कौन सा होगा वो आपको दे देगा, 4 सेंटेंस दे देगा, उसमें से चूज करना रहेगा। तो दिमाग लगता है, लॉजिक लगती है, कॉन्सेप्ट लगता है, और आपका यहाँ पे इंग्लिश में जो अच्छा कमांड होता है वही कर पाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कम भी हो जाते हैं, बट आपको इनको प्रैक्टिस करना है, और इनका मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्रैक्टिस है, इन सारे टाइप के क्वेश्चन सर्वे सर आपको इंग्लिश में बहुत विधिवत तरीके से कवर कराने वाले हैं। अगर आप कोर्स से जुड़ते हो, नहीं जुड़ते हो तो किताबों में तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, एसपी बख्शी वगैरह किताबें हैं, वो आपको इंग्लिश कोर तो पढ़ा देंगी, बट ये क्वेश्चन टाइप नहीं करा पाएंगी, क्योंकि इसमें सिनोनिम सिंटोनिम पूछने का तरीका अलग होता है, वर्ड अरेंजमेंट का पूछने का तरीका अलग होता है, फिलर के पूछने का तरीका अलग होता है, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच, अभी फिगर ऑफ स्पीच लिटरली जो है लिटरेचर का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच भी आपसे पूछेगा, और अच्छे क्वेश्चन पूछता है, फ्रेज दे देगा, लाइन दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन सा फ्रेज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने का आवश्यकता है, इंग्लिश थोड़ा ट्रिकी रहेगी, इंग्लिश थोड़ा ट्रिकी रहेगी, और आप चाहे पहले से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फ्रेशर हो, या आप कहीं से भी कुछ कर रहे हो, किसी संस्था से जुड़े हो, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ट्रिकी पूछेगा, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे, लेकिन इनके ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करते चलेगा, वरना एग्जाम में जब नए क्वेश्चन मिलते हैं तो वहां पे घबराहट होती है, टेम्परामेंट खराब होता है, और फिर क्या होता है, आंखों के सामने एकदम काला छा जाता है, पांव के नीचे जमीन खिसक जाती है, आता हुआ प्रश्न भी आप गलत करके आओगे, फिर आप अम्मा अम्मा चिल्लाओगे और कुछ नहीं रह जाएगा। तो ये मैं आपको पहले ही आपको आगाह कर रहा हूं कि इंग्लिश अच्छा लेवल का आएगा, और दूसरी बात एनटीए करा रहा है तो और भी अच्छा इंग्लिश आएगा, क्योंकि एनटीए कैट लेवल के भी पेपर को कराता है, तो उसके पास इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक अच्छे होते हैं और वहीं से कॉपी पेस्ट कर देगा, इस बात को समझिएगा। उसके बाद देखें मैथ्स में, तो मैथ्स में फिर से मैं बोलूंगा कि मैथ्स में भी आपको अरिथमेटिक और एडवांस सब कवर करते हुए चलना है, और कोई एक किताब से आपका नहीं होगा, अरिथमेटिक एडवांस, और एडवांस में भी कुछ एडवांस ऐसे होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे आपका दे देगा कि पॉइंट है ये 2.3 है, इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो यहाँ पे आप 2.-3 बताओगे, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऐसे कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन पूछ लेता है, एपी जीपी से क्वेश्चन पूछ लेगा, ये भी आपका एडवांस पार्ट है। उसके बाद आपका इवन मिसलिनियस मैंने जो इसमें लगा रखा है, मिसलिनियस में भी वो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा था, मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा, तो मैट्रिक्स एकेडमिक का होता है, इसलिए मैं बोल दूं यहां पे मैट्रिसेस पिछली बार पूछा था और इस बार भी, और फिर से बोल रहा हूं क्योंकि एनटीए करा रहा है, एनटीए के पास कैट लेवल के क्वेश्चन बैंक होते हैं, तो वो कुछ भी रख सकता है, एपी जीपी के क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, कोऑर्डिनेट के कन्फर्म पूछे जाने, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसके बाद आपका एलजेब्रा हो गया, एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछेगा, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछेगा, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछेगा। तो एडवांस में भी जैसे आप एसएससी में जाओगे तो एडवांस मतलब केवल ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा तक सीमित रहता है बस, ज्योमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चन, लेकिन अगर आप यहां पे आओगे तो यहां पे कुछ छोड़ ही नहीं रहा है, इवन आपका पीएनसी और प्रोबेबिलिटी ये दोनों भी मत बोलो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ऐसे ही अरिथमेटिक में आपका तो रेशियो हो ही गया, आपका परसेंटेज हो ही गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो ही गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सीआई एसआई हो गया, उसके बाद फिर आपका देखा जाए नंबर सिस्टम हो गया, ये सारे ही एवरेज हो गया, एवरेज से भी क्वेश्चन पूछेगा, एज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये सारे ही क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछे जाने हैं, पार्टनरशिप हो गया। तो आपको मैथ्स भी ओवरऑल पढ़ना है, अब आप खुद समझना, आपके पास दो चैलेंजेस हैं, ऐसा मत सोचिएगा सर डरा रहे हैं, मैं डरा नहीं रहा हूं बच्चों, आपको हकीकत से बता रहा हूं कि पहली बात तो यहां पे समझना कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगी, हाई जाती ही जाती है और हाई जाएगी नो डाउट। उसके बाद अगर देखा जाए और हाई जाने के भी कारण क्या है, हाई जाने के फैक्टर क्या है, 18 से 40 साल उम्र हर बच्चा फॉर्म भरता है। दूसरी बात इस बार तो उसने क्या बोला है कि ट्रिपल सी केवल, तो ट्रिपल सी के समकक्ष वाले बच्चे कंफ्यूज है बट फॉर्म सब लोग भरेंगे और बाद में हाई कोर्ट का ही आदेश है तो वो मानना भी पड़ेगा, अभी मैं सर्टन नहीं बोल सकता हूं बट सभी लोग एलिजिबल है, ट्रिपल सी यहां पे कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, और आज के समय में देखा जाए तो ट्रिपल सी सबके पास है भी, कोई ऐसा शायद ही बच्चा हो जो तैयारी कर रहा हो यूपी ट्रिपल सी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी करने वाला बच्चा शायद ही कोई हो जिसके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट ना हो, तो ये मत पूछो सोचना कि ट्रिपल सी मांग रहा है तो कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा,
जगह नहीं, कंपटीशन वहां पे कम नहीं होने वाला है, 18 से 40 तक का उम्र पूछ रहा है, और उसके बाद उसने सिंपल ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट मांगा है अलग अलग। तो जब केवल इंटरमीडिएट मांग लेता है तो जाहिर सी बात है कि ये फॉर्म फिलिंग बढ़ा देता है, बच्चे बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और क्योंकि पोस्ट कम होती है तो 15,000-20,000-50,000 पोस्ट हो, फिर भी यहां पे 3500-3600 पोस्ट के आसपास है, ठीक है। लेकिन अभी सपोज करो कि 17-18 लाख फॉर्म भरे जाएं, हालांकि हाईकोर्ट और वगैरह में 9-10 लाख ही फॉर्म भरे जाते हैं, 11-12 लाख, लेकिन ग्रुप सी डी में फॉर्म की संख्या बढ़ जाती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और अगर ज्यादा बढ़ गई फिर आप यहां पे जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई जाएगा, और पेपर अगर बैलेंस आ गया तो और हाई जाएगा, ये ध्यान देना। तो कट ऑफ हाई जाता है। दूसरी बात ये हो गया कि जो सिलेबस है, सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है सिलेबस, ना ही आपको मैथ्स में रिलैक्सेशन है, ना ही आपको जीएस में रिलैक्सेशन, ना ही इंग्लिश में, ना ही हिंदी में, सब कुछ पढ़ना है। और आपके पास तीसरी बात क्या है, जो टाइम है वो बहुत कम है, टाइम क्या है आपके पास लेस है, और ये तीनों ही फैक्टर क्या करते हैं आपके इस एग्जाम पे, आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन। देखो दो टाइप के बच्चे हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को मेरी बातें नकारात्मक लगे, तो मैं आज ही बोल लो शायद ऐसे बच्चों का सिलेक्शन ना भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, मैं तो चाहूंगा सबका सिलेक्शन हो जाए जो भी एक अच्छा वो रखता है। लेकिन अगर आप कहीं लापरवाही कर रहे हो, एक निरंतरता नहीं रख रहे हो, कंटिन्यूटी आपके पास नहीं है, अच्छा आज इनकी शादी है यहां चले जाते हैं, उनकी शादी वहां चले जाते हैं, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, ये बात आप समझिएगा। आपको कंटिन्यूटी बनाना है, आपको डिसिप्लिन वे में तैयारी करना है, कंटेंट आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, एक जिस भी मार्गदर्शन में एक पर्टिकुलर किसी कोचिंग से जुड़े हो, किसी सीनियर के साथ जुड़े हो, तो उनके मार्गदर्शन में आप कंटिन्यू जुड़े रहो, अपनी रणनीति शेयर करते रहो, उनकी रणनीति लेते रहो, और ये आपकी तैयारी का एक जो हो सकता है वो बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। अन्यथा बच्चों फॉर्म भरने से फॉर्म भी 1,800 रुपए का है, 800 रुपए फॉर्म भरोगे, 4 महीने तैयारी करोगे, पापा का भी पैसा बर्बाद करोगे, अपना भी समय बर्बाद करोगे, कोई मतलब नहीं है, फिर आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम है। लेकिन जो जुड़ जाएगा अपने आप को डाउन टू अर्थ ले जाके कि हाँ सर बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, और एक मार्गदर्शन में तैयारी अच्छी हो जाएगी, निश्चित है उसकी सफलता अच्छी होगी। तो ये आपका है। बाकी अगर आप किसी से कोर्स से जुड़ना चाहो तो मैं आपको इतना जानकारी दे दूं, हालांकि मेरा फोकस कभी कोर्स पे नहीं रहता है, ये आप लोग की वो रहता है कि सर लॉन्च करिए, करिए वो करिए, मेरा सजेशन ये रहता है कि आप मैक्सिमम सेल्फ स्टडी या खुद का प्लान से कर लो तो ज्यादा बेटर है, बट फिर भी थोड़ा सा कई बार आपको जरूरत होती है तो मिनिमम ये 2000 का फीस, हालांकि टीम बोल रही थी सर इसमें 4000 की फीस रखे बहुत वास्ट लेवल से करने में बहुत मुश्किल होगी, बट फिर भी मैंने केवल 2000 रखवाया, उस पर भी आपको इनिशियल जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनके लिए जो इनिशियल बच्चे हैं 599 मतलब 70% तक ऑफ कर दिए, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव क्लास होगी उसी की रिकॉर्डिंग मिलेगी, स्टडी मटेरियल आपको इसमें बहुत ही कंटेंट एकदम नए अपडेटेड मटेरियल मिलने वाले, हमने हाईकोर्ट में भी आर भी जब दिन रात इकट्ठा कर दिया था एकदम पूरी कड़ी में लगा दिए थे, पूरा छान डाले थे पेपर कैसा होगा, वैसे हिसाब से आपको मटेरियल देते हैं, एसएससी और डी में भी देंगे, टेस्ट आपको कंडक्ट कराएंगे, समय मिल गया तो हम 10 से 15 करेंगे, नहीं समय मिला तो 5 से 7 हम आपको करा देंगे, डाउट सेशन आपका होगा वीकली, आपका क्या होगा जूम मीटिंग के थ्रू या इसकी मीटिंग आपके रणनीति शेयर करेंगे, डाउट सेशन लेते चलेंगे, बाकी वैलिडिटी जो होगी इसके टिल एग्जाम या 1 साल, अगर परीक्षा 1 साल तक होती है तो 1 साल तक रहेगी, या अगर टिल एग्जाम है परीक्षा पहले हो जाती, जो भी पहले आ जाएगा उस हिसाब से आपकी वैलिडिटी रहेगी। तो बहुत कम है, आप इसमें जुड़ जाओ, हम सी का केवल बाकी सब चीजें लगभग सेम रहेंगी, ग्रुप सी और डी में अंतर केवल इतना आएगा, स्टेनो और ग्रुप सी लगभग सिमिलर लेवल का पेपर होगा, ग्रुप डी वाले का पेपर थोड़ा सा आसान होगा, तो उस हिसाब से भी हमें पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लास में बताता चलूंगा। अभी आपको कोई भी क्वेश्चन रह गए हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और ये कोर्स अगर आप परचेज करना चाह रहे हो तो जो नीचे नंबर चल रहे हैं इन पे कॉल भी कर सकते हो, या कॉल नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करो, कौन सा परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करोगे, जैसे ही इंस्टॉल करोगे उस पर रजिस्टर करोगे, आप कोर्सेस में जाओगे सबसे ऊपर ही ये क्या दिखेगा 2.0, इसका 1.0 हम लोग का कोर्स खत्म हो गया है, ये 2.0 है, ध्यान दीजिएगा 2.0 वाले पे करिएगा, और किसी को एक साथ ही सारा मटेरियल चाहिए तो 1.0 खरीद सकता है, तो ये आपका ग्रुप सी डी का है। बाकी उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।